Hello students, in last 2 to 3 videos we have studied about the basics of continuous time signals. Now in this video I will start with the basics of discrete time signals. Okay, and is basic mein hum log sabse pehle start karenge types of discrete time signals. Okay, to yahan par hum log kuch standard types dekhenge, kuch standard types ke discrete time signal ka analysis karenge. Okay, तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है स्टेप फंक्शन. ठीक है, डिस्क्रीट में आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है कि यहां पर सीक्वेंस बोलते हैं हम लोग, जैसे स्टेप सीक्वेंस, रैम सीक्वेंस, इस तरीके से. ओके, तो स्टेप जो होता है आपका, अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से होगा आपका. डिस्क्रीट में आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था डिस्क्रीट को हम एक्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम क्या होता है एन. हम लोग डिस्क्रीट में सैंपलिंग का इफेक्ट, जो सैंपलिंग टाइम का इफेक्ट है उसको कंसीडर अभी नहीं करते हैं. ठीक है ना, मैंने कहा था सैंपलिंग टाइम टीएस को हम लोग टीएस इक्वल टू 1 ले लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए. ओके, तो यहां पर यूएन जो है आपका, या जो भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है एक्सएन, वो आपका एक्सटी का क्या होता है, सैंपल्ड वर्जन होता है. ये मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट वीडियो में. ओके, बट यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो यूएन है, दिस इज नॉट अ सैंपल्ड वर्जन ऑफ यूटी, इट इज अ प्री डिफाइंड सिग्नल. ठीक है, तो जो आपका स्टेप है डिस्क्रीट में वो प्री डिफाइंड है आपका, वो सैंपल्ड वर्जन नहीं है यूटी का. ये बात हमें समझनी क्यों जरूरी है, आप ध्यान दीजिएगा. जैसे अगर मैं आपके लिए यहां पर स्टेप फंक्शन को ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो स्टेप फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा डिस्क्रीट में. ठीक है, लाइंस होंगी आपकी सेम एम्पलीट्यूड की. ठीक है ना, सैंपल्स होंगे आपके अप टू इन्फिनिटी तक. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सब पे एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका 1. ओके, तो यहां पर आपके बहुत सारे सैंपल्स होंगे और सबके एम्पलीट्यूड आपके 1 होंगे. तो अगर आप यूटी का सैंपल्ड करेंगे तो कुछ ऐसा ही फिगर तो आपको दिखेगा. बट मैं क्यों कह रहा हूं कि इट इज नॉट अ सैंपल्ड वर्जन ऑफ यूटी, आप ध्यान दीजिएगा. ये बात हमारे लिए समझनी क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो यूटी होता है टी इक्वल टू 0 पर कितना होता है, हाफ होता है. ओके, पर अगर आप यूएन को देखें तो वो एन इक्वल टू 0 पर कितना है आपका, 1 है. ठीक है ना, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखनी है, क्लियर है अच्छे से. तो यूएन जो होता है आपका वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, यूएन इज इक्वल टू 1 फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर एन लेस देन 0. ओके, तो ये ज्यादा सिंपल होता है आपका. यूटी में हमें डिसकंटिन्यूटी का प्रिंसिपल एनालिसिस करना पड़ा था, यहां पर डिसकंटिन्यूटी का प्रिंसिपल हमें एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं होती है. एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो हर एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस ही है. ठीक है, तो यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्लियर है पॉइंट अच्छे से. तो ये होता है आपका यूएन. नेक्स्ट जो होता है आपका, इट इज रैम्प. नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन जो हमें पता होना चाहिए डिस्क्रीट के केस में, इट इज रैम्प. तो आर एन वर्सेस एन. तो रैम्प क्या होता है, अगर मैं यूनिट रैम्प का एग्जांपल लूं तो 0 पर 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 एंड सो ऑन. ठीक है ना, सेम कंसेप्ट है. तो 0 पे 0 हमने बना लिया, फिर 1 पे 1, देन 2 पर 2, देन 3 पर 3 एंड सो ऑन. ओके, तो जैसा आपका कंटिन्यूअस के केस में था कि टाइम 1 पर एम्पलीट्यूड 1 था, टाइम 2 पर एम्पलीट्यूड 2 था, सेम यहां पर भी वैसी है. बट यहां पर आपके इंटीजर टाइम पर ही सिर्फ और सिर्फ आपके एम्पलीट्यूड डिफाइंड है, क्लियर है अच्छे से. नाउ आर एन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा. आर एन इज इक्वल टू एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर एन इज इक्वल टू 0 फॉर एन लेस देन 0. ठीक है, तो यहां पर आपका जो प्रोसेस होगा बिल्कुल सेम होगा जैसे आपने स्टडी किया था इन केस ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स. ओके, तो कंटिन्यूअस में हमने इन दोनों लाइन को कंबाइन करके क्या बोला था, आर एन इज इक्वल टू एन यू एन. ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो यू एन की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है, तो आर एन आपका एन ही हो जाएगा. जब एन लेस देन 0 होता है तो यू एन क्या होता है, 0 होता है.
तो 0 into something, Rn क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, for n less than 0, okay, clear है अच्छे से? Now, अब अगर मैं next signal की बात करूं, तो next signal होता है आपका impulse, तो जो impulse signal है, वो आपका same तरीके से ही बनेगा, ठीक है, आपका सिर्फ n equal to 0 पर एक impulse होगा, एक sample होगा आपका, delta n, okay, 0 पर, मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, तो यहां पर एक लाइन बन जाएगी आपकी n equal to 0 पर, ठीक है, तो ये होता है आपका इंपल्स और डेल्टा फंक्शन, क्लियर है अच्छे से? नाउ यहां पर आपको ये बात समझनी होगी कि जब मैंने डेल्टा t बनाया था तो मैंने आपको कहा था कि यहां पर जो 1 है वो उसका एरिया है, लेकिन यहां पर जो डेल्टा n के केस में जो आपको 1 दिख रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड ही होता है. ओके तो डेल्टा n इक्वल टू 1 फॉर यू कैन से n इक्वल टू 0. ओके यहां पर ग्रेटर देन दिखेगा तो कोई कांसेप्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू 0 पर ही 1 है और 0 है फॉर n नॉट इक्वल टू 0. तो n की अदर वैल्यूज के लिए आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? 0 है. यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आपका मेजर चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि डेल्टा टी के केस में एम्पलीट्यूड आपका इंफिनिटी था फॉर टी इक्वल टू 0, यहां पर डेल्टा एन के केस में आपका एम्पलीट्यूड 1 है फॉर एन इक्वल टू 0. ओके बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी लाइक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और यू कैन से इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी और स्केलिंग प्रॉपर्टी वो सारी आपकी सेम है यहां पर भी, ठीक है ना, बस टी की जगह एन होगा, इंटीग्रेशन की जगह समेशन हो जाएगा. तो कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं है आपके इन केस ऑफ impulse when you compare with the continuous time impulse except one change that amplitude is 1 here aur wahan par kya tha amplitude aapka infinity aur wahan par aapka area 1 tha baki sari properties aapki same hai agar main next signal ki yahan par baat karun fourth signal to aapka fourth signal jo hoga that will be dc signal okay to dc signal yahan par bhi bilkul same hoga aapke liye ki सिग्नल जो होगा वो कांस्टेंट होगा n पर डिपेंड नहीं करेगा. सपोज करिए सिग्नल को मैंने ले लिया a तो वो हर एक पॉइंट पर n की हर एक टाइम पर या n की हर एक वैल्यू पर सिग्नल आपका क्या होगा? a ही होगा. ओके तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी इन केस ऑफ dc सिग्नल, ठीक है ना, हर एक टाइम पर एम्पलीट्यूड विल बी a. ओके तो दिस इज योर dc सिग्नल, क्लियर है अच्छे से? तो xn equal to a. तो डिस्क्रीट के केस में आपके कुछ इतने ही स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं, ठीक है ना. अगर आपने कंटीन्यूअस को अच्छे से समझ लिया है और अगर आप बेसिक डिफरेंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट के केस में, तो आपको डिस्क्रीट सिग्नल को समझने में या डिस्क्रीट सिग्नल का एनालिसिस करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ओके नाउ यहां पर अब अगर मैं आपसे बात करूं कि बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, तो ऑपरेशंस ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. ओके तो यहां पर भी आपके ऑपरेशंस जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं जैसा आपने कंटीन्यूअस टाइम के केस में पढ़ा था. तो यहां पर भी बेसिकली आपको थ्री ऑपरेशन पढ़ने हैं. फर्स्ट इज स्केलिंग, सेकंड इज शिफ्टिंग एंड थर्ड इज रिवर्सल. ओके तो यहां पर भी आप लोग थ्री ऑपरेशन स्टडी करेंगे. यहां पर भी सेम कांसेप्ट होगा, जब भी a ग्रेटर देन 1 होगा तो यहां पर आप कंप्रेशन वर्ड की जगह क्या यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा. जब कंटीन्यूअस में a ग्रेटर देन 1 होता था तो आप कंप्रेशन बोलते थे, ठीक है. यहां क्या बोलोगे आप, जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं आपके वो लेस होंगे एज कंपेयर टू ओरिजिनल सिग्नल्स. ओके मतलब ओरिजिनल सिग्नल में जितने आपके नंबर ऑफ सैंपल्स थे x ऑफ an करने के बाद वो सैंपल्स आपके लेस होंगे, ठीक है. तो इस प्रोसेस को यहां पर हम लोग डेसिमेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है. नंबर ऑफ सैंपल्स विल बी लेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेसिमेशन. अगर a आपका लेस देन 1 होता है तो कंटीन्यूअस टाइम के केस में हम पढ़ते थे कि जब भी आपका a लेस देन 1 होगा तो आपका सिग्नल जो है एक्सपांड होगा. यहां पर हम उसे किस तरीके से समझ सकते हैं, जब भी आपका a लेस देन 1 होगा तो जो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपके ग्रेटर होंगे एज कंपेयर टू ओरिजिनल सिग्नल. ओके
तो इस प्रोसेस को हम यहां पर कहते हैं इंटरपोलेशन. ओके, इंटरपोलेशन. क्लियर है अच्छे से? नाउ यहां पर प्लस और माइनस की मीनिंग बिल्कुल सेम है जैसी आपकी कंटीन्यूअस में थी. प्लस मींस आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और माइनस मींस आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. ओके, तो ये हो जाएगा आपका एक्स एन प्लस माइनस एन नॉट. ओके, लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट. और रिवर्सल अगेन सेम है आपका, जो अगर पॉजिटिव साइड में है वो नेगेटिव साइड बन जाएगा, जो नेगेटिव साइड में है वो पॉजिटिव साइड बन जाएगा. ठीक है ना, बस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको फिगर को पलट देना है. क्लियर है अच्छे से? तो ये आपके थ्री ऑपरेशन हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स. ओके, तो यहां पर भी आपको मैं एक पॉइंट बोलूंगा कि सबसे पहले आप लोग, अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है तो आप कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के ऑपरेशन को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर डायरेक्टली मेथड जो हमने स्टडी किया था, दैट इज फर्स्ट शिफ्टिंग देन स्केलिंग, डायरेक्ट उसी मेथड का ही यूज करूंगा. ठीक है ना, तो क्योंकि हमने वहां दो इंपॉर्टेंट मेथड स्टडी किए थे, एक स्टडी किया था शिफ्टिंग देन स्केलिंग और एक स्टडी किया था स्केलिंग देन शिफ्टिंग. तो अब मैं थ्रू आउट द सिलेबस आपके लिए जो मेथड था जिसमें हम लोग शिफ्टिंग देन स्केलिंग किए थे उस मेथड को मैं फॉलो करूंगा. ठीक है, तो यहां पर मैं एक आपके लिए न्यूमेरिकल कंसीडर कर लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं. सपोज करिए आपको एक्स एन गिवन है यहां पर. ओके, एक्स एन कुछ इस तरीके से गिवन है हम लोगों को, जीरो पर टू, ओके, वन पर टू, टू पर वन एंड थ्री पर टू. ओके, और हमें परफॉर्म करने बोला गया है यहां पर एक्स ऑफ टू एन प्लस वन, और सेकेंड क्वेश्चन में हमें परफॉर्म करने बोला गया है एक्स ऑफ थ्री माइनस एन, और थर्ड क्वेश्चन में हमें परफॉर्म करने बोला गया है एक्स ऑफ माइनस सिक्स माइनस एन. ओके, तो ये थ्री क्वेश्चन हमें परफॉर्म करने के लिए कहा गया है. तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने डायरेक्टली ही आपको जो मेन क्वेश्चन है, जैसे कि स्केलिंग और शिफ्टिंग का कॉम्बिनेशन या रिवर्सल और शिफ्टिंग का कॉम्बिनेशन, ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं डायरेक्टली. ठीक है ना, तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो आपका स्केलिंग और शिफ्टिंग का कॉम्बिनेशन है. तो मैं डायरेक्टली मेथड यूज कर रहा हूं आपके लिए. मेथड में हमने क्या सीखा था कि आपको पहले करनी है शिफ्टिंग, देन करनी है आपको स्केलिंग. ठीक है, तो डायरेक्टली मैं ये मेथड यूज करने के लिए जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर वन में. तो सबसे पहले क्या बताया था मैं आपको कि अगर आप सबसे पहले शिफ्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो जो भी एन के साथ है, जो भी एन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में है उसे आप कंसीडर मत करिए. तो एक्स ऑफ एन प्लस वन सबसे पहले हमें इसे ड्रॉ करना होगा. एक्स ऑफ एन प्लस वन, बीच में साइन क्या है, प्लस है, मतलब हम किस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट साइड. तो आप लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाइए यहां पर. तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा था वो आपका माइनस वन से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, माइनस वन पर टू, ओके, देन जीरो पर टू, ओके, देन वन पर वन एंड देन टू पर टू. ओके, तो ये आपका क्रिएट हो गया एक्स ऑफ एन प्लस वन. क्लियर है अच्छे से? अब हमारा टारगेट क्या है, क्या क्रिएट करना है हमें, एक्स ऑफ टू एन प्लस वन. दैट मीन्स हमने जो स्केलिंग फैक्टर पहले कंसीडर नहीं किया था उसे अब हम डायरेक्टली कंसीडर करेंगे. यही था ना हमारा मेथड, हमने इसे अच्छे से प्रूफ किया हुआ है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. तो अब आप देखिए, अगर आप 2 को अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 यहां पर किससे है, मल्टीप्लाई में है n के साथ, तो फिगर में क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो अगर आप x ऑफ 2n प्लस 1 करना चाहते हैं तो यहां पर फिगर में जहां जहां पर आपका n का जो वैल्यू दिया हुआ है वहां पर आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे. तो देखिए 2 बाय 2 कितना होगा, 1, तो 1 पर कितना आ जाएगा आपका 2. ओके, नेक्स्ट देखिए 1 बाय 2, 1 बाय 2 क्या होगा, 0.5, 0.5 पे क्या आ जाएगा, 1. श्योर? नहीं, 0.5 पर 1 नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जो n होता है हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है. इसका मतलब जो n आपके नॉन इंटीजर होंगे उसे आपको कंसीडर नहीं करना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में.
ध्यान रखिएगा इसे, तो 1 by 2 आप consider नहीं करोगे, then 0 by 2, 0 by 2 क्या होगा, 0 होगा, और 0 क्या integer है, तो आप लोगे इसे, then minus 1 by 2, minus 1 by 2 non-integer है, इसे भी आपको लेने की जरूरत नहीं है, तो x of 2n plus 1, क्या होगा आपका, 0 per 2 and 1 per 2, there are only 2 samples, okay, ध्यान रखना है हम लोग को, now, next question क्या है, x of 3 minus n, तो अब अगर मैं इस question को solve करूँ यहाँ पर, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x of minus n plus 3, ठीक है ना, तो अब अगर मैं यहाँ पर पहले shifting perform करूँ, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, कि n के साथ जो भी multiply में है, उसे consider नहीं करना, तो क्या होगा, x of n plus 3, that means आपको 3 से left side shift होना है, ठीक है, तो आपके सैंपल कहां कहां हो जाएंगे, जो 0 पर था वो आ जाएगा minus 3 पर, minus 3 पर 2, then minus 2 पर 2, then minus 1 पर 1, then 0 पर 2, ओके, क्लियर अच्छे से, देख लीजिए, आपको xn जो given था, वो 0 से स्टार्ट था, तो वो किससे स्टार्ट हो जाएगा आपका, minus 3 से, क्लियर, now, अब आप देखिए यहां पर, अब आपको क्या करना है, जो स्केलिंग फैक्टर आपने यूज नहीं किया था उसे अब आपको अप्लाई करना है, दैट मींस अब आपको n की जगह माइनस n लेना है, ओके, तो कितना हो जाएगा आपका फिगर जो है वो पलटी खा जाएगा आपका y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 0 पर रहेगा, माइनस 1 1 बन जाएगा, माइनस 2 2 बन जाएगा, माइनस 3 3 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 पर 2, 1 पर 1, ओके, देन 2 पर 2, देन 3 पर 2, ओके, तो ये आपका बन गया x ऑफ माइनस n प्लस 3, क्लियर है अच्छे से, नाउ, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो आपके लिए होमवर्क है, आपको इसे सॉल्व करना है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है, ठीक है ना, आप फोटो क्लिक करके आंसर लिख सकते हैं, ओके, और अगर आपको कोई डाउट हो, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, नाउ, एक और क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं, सपोज करिए मैं यहां पर सॉल्व करना चाहता हूं x ऑफ n by 3, अगर मैं x ऑफ n by 3 यहां पर सॉल्व करूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तो आपके लिए होमवर्क है, तो x ऑफ n by 3 का क्या मतलब है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर n के साथ 3 जो है वो डिवाइड में है, तो फिगर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं एक बार किस तरीके का फिगर हमारा बनेगा, ठीक है, x of n by 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, xn क्या था आपका, 0 पर 2, तो आपको फिगर में n की हर वैल्यू के साथ 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो 0 into 3 तो 0 ही होगा, then अगला पॉइंट क्या था, 1, तो 1 into 3, 3 हो जाएगा, 3 पर भी क्या था, 2, then अगला पॉइंट क्या था आपका, 2, तो 2 into 3, 6, 6 पर क्या था, 1, then अगला पॉइंट हो जाएगा, 9, और 9 पर क्या था आपका, 2, ओके, तो ये आपका बन गया x of n by 3, एक बहुत important point आपको समझना है, कि जब भी आप discrete का केस लेते हैं ना, तो जो n होता है वो हमेशा continuous integer होता है, मतलब 0 के बाद always आपका 1 आएगा, 1 के बाद always 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, similarly 0 के पहले always minus 1 आएगा, minus 1 के पहले minus 2 आएगा, इस तरीके से चलता है आपका system, ओके, तो यहां पर अगर 0 के बाद डायरेक्टली 3 दिख रहा है इसका मीनिंग है कि 1 और 2 पर आपका एम्पलीट्यूड 0 है सिमिलरली 4 एंड 5 पर एम्पलीट्यूड 0 है सिमिलरली 7 एंड 8 पर एम्पलीट्यूड आपका क्या है 0 है ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा ओके क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है डिस्क्रीट में अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन देना होता तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं देता क्वेश्चन देता इस तरीके से क्या करता देखिए यहां पर n की वैल्यू 0 से n की वैल्यू 3 तक एम्पलीट्यूड अवेलेबल है तो एक ब्रैकेट बनाता और सिर्फ आपको एम्पलीट्यूड देता 2, 2, 1, 2 और जहां पर n की वैल्यू 0 होती ना वहां पर एरो बना देता ठीक है ना वैसे बाय डिफॉल्ट एरो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर होगा अगर एरो गिवन नहीं है मतलब अगर एरो गिवन नहीं है मतलब n की वैल्यू 0 से ही आपका पहला एम्पलीट्यूड है ठीक है तो देखिए यहां पर एरो जहां पर बना है मतलब n की वैल्यू 0 है
जब आप एरो के राइट साइड में जाएंगे तो n की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, दैट इज नेक्स्ट वैल्यू होगी n की वैल्यू 1, देन n की वैल्यू 2, देन n की वैल्यू 3. अगर एरो के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी. ठीक है, यहां पर तो सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव n के लिए ही थी, तो n की वैल्यू 0 के लिए जहां पर एरो है एम्पलीट्यूड कितना था 2, n की वैल्यू 1 के लिए एम्पलीट्यूड कितना था 2, तो देख लीजिए यहां भी मैंने 2 लिखा है. n की वैल्यू 2 के लिए कितना है एम्पलीट्यूड 1, और n की वैल्यू 3 के लिए कितना है एम्पलीट्यूड 2. ओके, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को ड्रॉ करना बहुत ईजी होता है. क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में सिर्फ और सिर्फ आपको एक वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ करनी होती है, एक सैंपल ही ड्रॉ करने होते हैं. ठीक है ना, आपको अगर ये पता चल जाए कि आपको n की वैल्यू 10 पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है 5 एम्पलीट्यूड की, तो आप सीधा सीधा 10 पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर लिख देंगे 5. तो ये बहुत आसान होता है. ठीक है ना, तो आपको ये बात समझनी होगी कि कंटिन्यूअस इंटीजर की क्या इंपॉर्टेंस है. देखिए जरा यहां पर, अगर मान लीजिए मैं x ऑफ n बाई 3 को यहां पर देखूं, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो ये 0 पर कितना है 2. ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्टली यहां पर रिप्रेजेंट कर दूं 3 पर 2, अगर मैं डायरेक्टली यहां पर एम्पलीट्यूड 2 लिख दूं आपके लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 3 पर है, क्योंकि n की वैल्यू 0 ही सिर्फ शो करती है एरो. ठीक है ना, एरो मीन्स n की वैल्यू 0. अब अगला क्या है, आपको कैसे पता चलेगा? तो ये अगला आपको तभी पता चल सकता है जब वो कंटिन्यूअस इंटीजर हो, मतलब 0 के बाद हमेशा क्या आना चाहिए 1. ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि हमेशा 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल चलेगा. ओके, तो 1 और 2 दोनों पे एम्पलीट्यूड कितना है 0, तो 0, 0, देन 3 पर कितना है 2, देन 4, 5 पर 0, देन 6 पर 1, देन 7, 8 पर 0, देन 9 पर 2. इस तरीके से आपका कोई भी सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, आई होप आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन क्लियर होगा अच्छे से. ओके, तो ये आपके कुछ ऑपरेशंस हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में. क्लियर है अच्छे से? नाउ अब हम लोग यहां स्टडी करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में, जैसा हम लोगों ने कंटिन्यूअस टाइम में स्टडी किया था, रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेप, इंपल्स एंड रैम्प. ओके, तो यहां हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन स्टेप, इंपल्स एंड रैम्प. ओके, क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर बिल्कुल सेम रिलेशनशिप होगा, जहां जहां पर आप लोगों ने वहां पर इंटीग्रेशन का यूज किया था, यहां पर क्या हो जाएगा आपका समेशन. जहां जहां पर आप लोगों ने वहां पर यूज किया था डिफरेंशिएशन का, यहां पर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो जैसे सपोज करिए अगर मुझे शो करना है Rn को, तो Rn क्या होगा, वहां पर Rt क्या था, Ut का इंटीग्रेशन, तो यहां पर Rn हो जाएगा Un का समेशन. ओके, तो देखिए वहां पर लिमिट क्या थी आपकी, माइनस इंफिनिटी टू टी, टी की ही लिमिट थी ना, इंटीग्रेशन आप टी के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो टी की लिमिट थी आपकी माइनस इंफिनिटी टू टी, तो यहां पर भी हम लिमिट शो करते हैं माइनस इंफिनाइट टू एन. और डिस्क्रीट में हम लोग वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, तो यहां वेरिएबल करते हैं के इक्वल टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू के इक्वल टू एन, और यहां शो कर देते हैं यू के. अल्टीमेटली वेरिएबल चेंज करने से समेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है. ठीक है ना, आप अप टू एन तक ही एड कर रहे हो, तो लास्ट वैल्यू आपकी यू एन ही होनी है एडिशन में. ओके, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है. क्लियर है अच्छे से? तो जो रिलेशन होता है वो होता है के इक्वल टू माइनस इनफिनाइट टू एन यू के. क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट क्या होता है आपका, नेक्स्ट होता है आपका यू एन. यू एन किसका समेशन होगा, अब डेल्टा एन का. तो यहां पर भी हम लोग वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, के ले लेते हैं और डेल्टा के लिख देते हैं. ओके, तो ये होता है हमारा यू एन एंड आर एन. क्लियर है अच्छे से? अब यहां पर इस प्रॉपर्टी को, अगर मैं किसी भी एक प्रॉपर्टी को मान लो आपको प्रूफ करके दिखा दूं कि किस तरीके से ये आंसर हमारा क्रिएट हो रहा है, तो आप ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करना इसे. जैसे देखो, आपको पता है डेल्टा एन जो है वो इस तरीके से बनता है आपका.
ठीक है, ये आपकी जीरो पर, वन होता है एम्पलीट्यूड, ये बनता है आपका डेल्टा एन. ओके, नाउ जो आपका यूएन बनता है वो किस तरीके से बनता है आपका यूएन, आप ऑलरेडी इस वीडियो में बना चुके हो यूएन, जीरो पर वन, वन पर वन, टू पर वन एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक. तो आप समझिए यहां पर मैं डेल्टा एन को कितनी बार रिपीट करूं, ठीक है ना, मतलब जीरो पर वन लू एक इंपल्स, देन वन पर एक इंपल्स लू, देन टू पर एक इंपल्स लू और सबको ऐड कर दूं, तो आपका यूएन बन जाएगा. ओके, तो ध्यान से समझिएगा, क्या मैं यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं यूएन को, देखिएगा यहां पर ध्यान से, अगर मैं यहां पर इस तरीके से लिख दूं डेल्टा एन प्लस एन नॉट. ओके, मैं यहां पर लिख रहा हूं डेल्टा एन प्लस एन नॉट, और एन नॉट की जो लिमिट है आपकी वो मैं यहां पर ले रहा हूं. देखिए आपको एन नॉट की लिमिट क्या लेनी होगी, देखिए डेल्टा एन प्लस एन नॉट, ठीक है, अगर मैं यहां पर एन नॉट की जो लिमिट है आपकी वो ले लूं फ्रॉम माइनस इंफिनिटी, ठीक है, एन नॉट की लिमिट मैं ले लूं माइनस इंफिनिटी टू जीरो, देन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा यहां पर यूएन. देख सकते हैं यहां पर आप लोग कि अगर हम लोग यहां पर यूएन को अगर रिप्रेजेंट करें अब, तो देखिए आप एन नॉट की वैल्यू जो है वो माइनस इंफिनिटी है, तो सपोज करिए माइनस इंफिनिटी की जगह मैं माइनस टेन यहां पर शो करूं, माइनस टेन, माइनस नाइन, माइनस एट एंड डैश डैश करके छोड़ दूं, ठीक है ना, तो माइनस टेन पे क्या होगा डेल्टा एन माइनस टेन, तो डेल्टा एन माइनस टेन हमारे इंपल्स कहां पर होगा एन इक्वल टू टेन पे, क्लियर है. अब अगर मैं बात करूं एन माइनस नाइन, तो इंपल्स कहां पे होगा एन इक्वल टू नाइन पे, एन माइनस एट, एन माइनस सेवन, एन माइनस सिक्स, एन माइनस फाइव, एन माइनस फोर, एन माइनस थ्री, एन माइनस टू, एंड फाइनली आपका जो एन नॉट है वो जीरो हो जाएगा, मतलब इंपल्स कहां पर बन जाएगा डेल्टा एन, मतलब एन इक्वल टू जीरो पर. ओके, तो आप देख सकते हैं जब आप सबको सम करेंगे तो आपको मिल क्या जाएगा वापस से यू एन मिल जाएगा. ओके, बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यहां पर जो एन नॉट है वो नेगेटिव है, और जब भी एन माइनस समथिंग होता है तो आपका इंपल्स किस साइड बनेगा पॉजिटिव साइड में, ठीक है ना, एन माइनस फाइव, तो इंपल्स कहां बन जाएगा एन इक्वल टू फाइव पर, ठीक है, एन माइनस हंड्रेड, मान लीजिए एन नॉट आपका माइनस हंड्रेड होता तो इंपल्स कहां पे बनता एन इक्वल टू हंड्रेड पर. ओके, तो आप देख सकते हैं जीरो टू इन्फिनाइट तक हर एक एन की वैल्यू पर एक एक इंपल्स आपका बन जाएगा वन एम्पलीट्यूड का, क्लियर है अच्छे से. तो यहां पर ये हो गया आपका यू एन. अब अगर मैं यहां पर एन प्लस एन नॉट को के मान लू, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए जो लिमिट्स है आपकी एन नॉट की वैल्यू क्या थी माइनस इन्फिनिटी, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी, अब एन नॉट की वैल्यू क्या है अपर लिमिट क्या है जीरो, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी अपर लिमिट एन, ठीक है, तो यहां पर जो आपका यू एन है वो क्या आ जाएगा के की लिमिट माइनस इंफिनिटी टू एन डेल्टा के. ओके, और आप देख लीजिए यहां पर आपने यही लिखा था यू एन का फॉर्मूला. तो बस मैंने आपके लिए प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से आप यू एन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एन. ओके, नाउ ये हमने लिखा अभी सम्मेशन वाला फॉर्मूला, अब सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला हम देखते हैं. That means अगर मेरे पास फॉर्मूला हो कि मुझे डेल्टा एन को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ यू एन, ठीक है ना, तो हमें पता है कि जो यू एन होता है वो डेल्टा एन का सम्मेशन होता है, तो जो डेल्टा एन है वो दो यू एन का सब्ट्रैक्शन होगा. तो अब आप दिमाग लगाइए कि कौन से दो यू एन का हम सब्ट्रैक्शन करें कि डेल्टा एन बने. डेल्टा एन मतलब जीरो पर एक इंपल्स हो, जीरो पर आपका वन आए बस. तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, अगर मैं यहां पर सबसे पहले यूएन लिख दूं, ठीक है, तो आप देखिए ये हो गया आपका यूएन. यूएन क्या होता है जीरो पर वन, वन पर वन, टू पर वन एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक. तो यहां पर आप देखिए आपको डेल्टा एन के लिए सिर्फ और सिर्फ जीरो पर वन चाहिए, बाकी सारी वैल्यू जीरो हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है आप सब्ट्रैक्ट कैसे करना पसंद करेंगे. सब्ट्रैक्ट आप ऐसा चाहेंगे कि जीरो पर आपका एम्पलीट्यूड जीरो हो, बाकी सेकंड सिग्नल में हर एक एन की वैल्यू पर एम्पलीट्यूड आपका क्या हो वन हो, जिससे जब आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, ओके क्लियर है,
तो 1 माइनस 0 आंसर क्या होगा 1, बाकी हर एक n की वैल्यू पर पहले सिग्नल में भी 1 है और हर एक n की वैल्यू पर दूसरे सिग्नल में भी 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये सिग्नल हमें कैसे मिलेगा, जब हम लोग यू एन माइनस 1 करेंगे, मतलब जब हम लोग यू एन को 1 से राइट शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यू एन माइनस 1। तो आपको क्लियर होगा कि जब आप un माइनस un माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा डेल्टा n। ओके, तो ये होता है आपका डेल्टा n इन टर्म्स ऑफ un। क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं यहां पर un इन टर्म्स ऑफ rn, तो अब आप समझिए un मींस क्या होता है आपका, un मतलब होता है n इक्वल टू 0 पे 1, n इक्वल टू 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1 एंड सो ऑन, मतलब n की 0 वैल्यू से स्टार्ट होकर हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। लेकिन rn क्या है, rn में 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे कौन से दो rn को मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि आपका 0 पे 1 हो, 1 पे 1 हो, 2 पे 1 हो, मतलब un बन जाए। तो आप समझिए un पे 0 पे 1 है, ये हमारा पहला एनालिसिस का पॉइंट हो सकता है कि un पे आपको 0 पे 1 चाहिए, n इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड 1 चाहिए। लेकिन rn के केस में आपको n इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड कितना होता है 0 होता है। तो पहले आप कोई ऐसा rn बना लीजिए जहां पर n की वैल्यू 0 पर एम्पलीट्यूड 1 हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए rn में 0 पे 0, 1 पे 1 होता है। तो अगर आप rn को 1 से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें, ठीक है ना, अगर आप यहां पर rn प्लस 1 बना लें, ठीक है, तो आप समझिए यहां पर rn प्लस 1 मतलब rn जो है आपका, जो 0 पे 0 था, 1 पे 1 था, 2 पे 2 था, अब वो 1 से लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, मतलब 0 पे 1 आ जाएगा, 1 पे 2 आ जाएगा, 2 पे 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही होता, तो हमने rn प्लस 1 से स्टार्ट किया। ये आइडिया हमें कैसे आया, क्योंकि un पे 0 पे 1 था और rn पे 0 पे 0 था, और हमें पता है un जो है वो दो rn का सब्ट्रैक्शन ही होना है। तो हमने rn में कुछ ऐसा फंक्शन क्रिएट किया कि 0 पे 1 आ गया। अब आप देखिए इसको माइनस करें किससे, तो आप समझिए आपको un पे 0 पे 1 चाहिए, ठीक है, तो आपका 0 पे 1 आ चुका है rn प्लस 1 में। तो अब अगर आप कोई ऐसा rn ले जिसपे 0 पे 0 आए, तो 1 माइनस 0 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है rn ही है, rn में 0 पे क्या आता है 0 आता है, 1 पे क्या आता है 1, 2 पे क्या आता है 2 एंड 3 पे क्या आता है 3 एंड सो ऑन। अब अगर मैं दोनों को माइनस करूं, ठीक है, rn प्लस 1 माइनस rn, तो rn प्लस 1 0 पे 1 है और rn 0 पे 0 है, तो 1 माइनस 0 1, तो 0 पे तो 1 आ गया। अब rn प्लस 1 जो है वो 1 पे कितना है 2, rn कितना है 1 पे 1, तो अगर n इक्वल टू 1 पे मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूं तो 2 माइनस 1 1 आ गया। यस, un आपका 1 पे भी 1 होता है। अब अगर आप rn प्लस 1 को n इक्वल टू 2 पर देखें तो वो 3 है, rn कितना है n इक्वल टू 2 पर 2 है, तो 3 माइनस 2 क्या आ गया 1 आ गया। तो आप देख लीजिए अब n की हर एक वैल्यू के लिए फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब क्या हो गया आपका un हो गया। तो un क्या होता है rn प्लस 1 माइनस rn। ओके, तो इस तरीके से आप un को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रैम। क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका एनालिसिस होता है स्टेप, रैम्प एंड इम्पल्स में रिलेशनशिप का। ओके, क्लियर है अच्छे से। नाउ अब मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के ऊपर, एग्जांपल्स ले लेता हूं। देखो जैसे सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, xn इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा k इक्वल टू 9 टू इन्फिनिटी डेल्टा n माइनस 3 माइनस k। ओके, ये अब आपको मैं बोल रहा हूं ड्रॉ करो आप, ठीक है, जस्ट सिंपल ड्रॉ करना है और कुछ भी नहीं। जैसा मैंने आपको समझाया है कि डिस्क्रीट में ड्रॉ करना बहुत इजी होता है, तो अब इस सिग्नल को हम सिंपली ड्रॉ करते हैं। तो xn इक्वल टू 1 माइनस समेशन है कोई, तो 1 को आपको सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 मतलब क्या होगा, 1 मतलब
चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस हो, वन मतलब आपका डीसी सिग्नल है, तो आप सबसे पहले यहां पर वन को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पर इसको एक्स वन एन मान लें और समेशन को एक्स टू एन मान लें, तो एक्स वन एन कैसे ड्रॉ हो जाएगा, एक्स वन एन क्या है आपका, वन है, वन है मतलब हर एक पॉइंट पे क्या होगा आपका, वन ही होगा। क्लियर है अच्छे से, चाहे लेफ्ट साइड जाइए चाहे राइट साइड जाइए, हर एक एम्पलीट्यूड आपका वन होगा एन की हर एक वैल्यू के लिए, ओके ठीक है। तो ये आपका ड्रॉ हो गया वन। नाउ अब अगर मैं बात करूं ये समेशन वाले की, ठीक है, जो कि क्या है आपका एक्स टू एन है, तो इसे अगर मैं देखूं यहां पर हमें एक्स वन एन माइनस एक्स टू एन करना है ना, ये आपको दिख रहा होगा यहां पर माइनस साइन है। तो अब अगर मैं समेशन को ड्रॉ कर लूं यहां पर, तो देखिए यहां पर आपका के का समेशन है, के का समेशन है मतलब के की लिमिट जो है आपकी वो 9 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, के की एक एक लिमिट एक एक वैल्यू पुट करते हुए इम्पल्सेस ड्रॉ करने होंगे, डेल्टा है ना आपका, तो के की वैल्यू अगर आप 9 पुट करें तो एन माइनस थ्री माइनस नाइन मतलब क्या हो जाएगा, एन माइनस ट्वेल्व मतलब 12 पर एक इम्पल्स आ जाएगा आपका। नाउ के की वैल्यू अगर 10 पुट करें तो n माइनस थ्री माइनस टेन तो n माइनस थर्टीन तो 13 पर एक इम्पल्स आ जाएगा आपका। अब अगर k की वैल्यू 11 पुट करें तो n माइनस फोर्टीन तो 14 पर एक इम्पल्स आ जाएगा आपका। अप टू कहां तक चला जाएगा, पूरा इन्फिनिटी तक। क्लियर है अच्छे से। तो अब अगर मैं यहां पर एक्स वन एन माइनस एक्स टू एन परफॉर्म करूं, तो ध्यान से देखिए जो एक्स वन एन है वो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, एन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक 1 है, और एक्स टू एन जो है वो 12 टू इन्फिनिटी तक 1 है। अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 टू इन्फिनिटी तक तो दोनों में 1111 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से, ध्यान दीजिएगा एक्स टू एन में, एक्स टू एन के केस में माइनस इन्फिनिटी से लेकर 11 तक 0 है, और एक्स वन एन में माइनस इन्फिनिटी से लेकर 11 तक 1 है, तो 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब जो एक्स एन होगा उस वो सिग्नल आपका बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर, ओके आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर आएंगे और आप पूरा चले जाएंगे यहां पर 11 तक, ओके क्लियर है अच्छे से। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 11 तक आपका जो एम्पलीट्यूड होगा यहां पर वो हो जाएगा आपका 1। क्लियर है, तो ये बन गया आपका एक्स एन, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप सिग्नल को सबसे पहले देखेंगे तो आपको लगेगा कितना डिफिकल्ट सिग्नल है, समेशन है, वन दिया है, पता नहीं वन का क्या मीनिंग है, तो आप ड्रॉ करने में सोचेंगे कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं यहां पर। आप देखिए वन मतलब डीसी सिग्नल था, मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक एम्पलीट्यूड क्या होगा, वन। फिर एक्स टू एन बहुत सिंपल सा समेशन था आपका, जिसे आपने बड़े इजिली ड्रॉ कर लिया और फिर आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को ड्रॉ करना जो होता है आपके लिए ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ओके। नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं, एक और एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए आपको इसमें बोला गया है सिग्नल एक्सएन, सिग्नल एक्सएन इज इक्वल टू जीरो फॉर एन ग्रेटर देन 10 एंड एन लेस देन माइनस 9, ओके। अदरवाइज उसके अलावा अदरवाइज एक्स एन इज इक्वल टू 8, ओके ये आपको गिवन है। तो आपको निकालना है यहां पर फॉर विच वैल्यूज ऑफ एन एक्स ऑफ माइनस एन प्लस 4 विल गारंटी टू बी 0, ओके विल बी 0, ठीक है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ एन, ओके क्लियर है अच्छे से। मतलब n की रेंज आपको निकालनी है जिनके लिए x ऑफ माइनस एन प्लस 4 0 होगा। मैं क्वेश्चन को आपके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स एन की वैल्यू 0 है फॉर n ग्रेटर देन 10 एंड n लेस देन माइनस 9, अदरवाइज एक्स एन की वैल्यू बाकी n की सारी वैल्यूज के लिए 8 है। तो आपको निकालना है x ऑफ माइनस एन प्लस 4 0 होगा किन वैल्यूज ऑफ n के लिए, क्या रेंज ऑफ n क्या होगी आपकी जिसके लिए x ऑफ माइनस एन प्लस 4 0 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, xn को ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार अगर xn ड्रॉ हो जाएगा तो x ऑफ माइनस एन प्लस 4 ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए आप यहां पर xn किस तरीके से हो जाएगा आपका,
ये रहा आपका एक्शन, ठीक है, कहां से कहां तक है आप देखिए, एक्शन बोल रहा है ग्रेटर देन 10 पर 0 है और n लेस देन माइनस 9 पर 0 है, अदरवाइज 8 है। इसका मतलब आप ग्रेटर देन 10 जाएंगे तब भी एक्शन 0 हो जाएगा, लेस देन माइनस 9 जाएंगे तब भी एक्शन 0 हो जाएगा, बाकी सारी बीच की वैल्यूज के लिए एक्शन क्या होगा, 8 होगा। तो 8 कहां से कहां तक होगा आपका, 8 आपका होगा माइनस 9 से लेकर 10 तक, क्योंकि माइनस 9 से लेस जाने और 10 से ऊपर जाने में 0 है ना, इक्वल टू नहीं दिया है, तो माइनस 9 से लेकर 10 तक एक्शन हो जाएगा 8। तो आप इसे ड्रॉ कर दीजिए, माइनस 9 से लेकर कहां तक ड्रॉ करना होगा आपको, 10 तक, ओके। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है माइनस 9 से लेकर 10 तक, ओके, एक्शन कितना है आपका, 8 है, क्लियर है अच्छे से। तो ये हमने यहां पर एक्शन को ड्रॉ कर दिया। नाउ आपको पूछा क्या है कि x ऑफ माइनस n प्लस 4 किन वैल्यूज के लिए 0 होगा। तो सबसे पहले आप x ऑफ माइनस n प्लस 4 को ड्रॉ कर लीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग मेथड यूज करेंगे शिफ्टिंग देन स्केलिंग। उसमें मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि जो भी n के साथ मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है उसे आप पहले कंसीडर मत करिए। तो n के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस, तो आप सिर्फ ले लीजिए x ऑफ n प्लस 4। मतलब x ऑफ n प्लस 4 अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो बीच में साइन आपका प्लस है, तो किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड। तो 4 से अगर लेफ्ट साइड इसे शिफ्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 13, ठीक है, और 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 6, ओके। तो ये इस तरीके से आपका ड्रॉ हो जाएगा यहां पर, क्लियर है अच्छे से। तो ये हमारा सिग्नल यहां पर ड्रॉ हो गया x ऑफ n प्लस 4। नाउ अब अगर मैं यहां पर बात करूं x ऑफ माइनस n प्लस 4, तो आपको पता है जो आपका सिग्नल है जब आप माइनस n करते हैं तो वो पलटी खा जाता है y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ये जो 6 है वो माइनस 6 बन जाएगा और माइनस 13 जो है वो प्लस 13 बन जाएगा। इसका मतलब n की किन वैल्यूज के लिए x ऑफ माइनस n प्लस 4 जीरो होगा। ऑब्वियस सी बात है जैसे ही आप लोग n ग्रेटर देन 13 जाएंगे एंड n लेस देन कितना जाएंगे, क्योंकि 6 आपका माइनस 6 बन जाएगा, तो n लेस देन माइनस 6, तो n लेस देन माइनस 6 एंड n ग्रेटर देन 13, इनके लिए आपका x ऑफ माइनस n प्लस 4 क्या होगा, जीरो होगा, क्लियर है अच्छे से। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट होता है, ओके। तो ये वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिए हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम का बेसिक स्टडी किया है, अभी इस पे बहुत कुछ और हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, ठीक है। पहले आप डाउट क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये सिर्फ बेसिक्स है, इस वीडियो में नहीं बल्कि लास्ट की जो 3 to 4 वीडियोस हमने पढ़ी हैं वो सारी ही बेसिक्स है। पहले उन्हें आप क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ओके। थैंक यू।